और राइट, चलिए तो आज शो की शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के जवाब के साथ। और मेरे साथ हमारे आज के मेहमान हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है, शुरुआत करते हैं। और पुष्प दंत जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? कहाँ से बोल रहे हो आप? आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। ओके, कहाँ से बोल रहे हो आप? सरदार शहर राजस्थान। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और 30 लाख का आप कह रहे हैं कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में। हाँ जी मैम। 22 सालों के लिए? हाँ जी मैम। ठीक है, 10 लाख रुपए आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल रखे हैं और सिल्वर ETF में डाल रखे हैं, इज दैट राइट? हाँ जी मैम। ये भी आपने 22 साल के लिए डाल रखे हैं? हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, बताते हैं कि कैसे चरणबद्ध तरीके से आपको ये निवेश को डालना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। तो हेमंत जी, होता है ऐसा है कि आजकल देखा जा रहा है कि लोगों ने बहुत लंबी लंबी अवधि के लक्ष्य बांध कर रखे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ वो हमसे मांग रहे हैं। यहाँ पुष्पदंत जैन भी जो है वो लगभग 30 लाख रुपये को निवेश करना चाहते हैं। इससे अलावा इनके पास 10 लाख रुपये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी है, सिल्वर ETF में भी है। लेकिन एक चीज़ जो कि थंब रूल के लिहाज से समझनी चाहिए हमें, वो ये है कि इतनी लंबी अवधि का आप निवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट को आप तभी समझेंगे जब आप लंबी समय तक उसमें पार्क्ड इन रहेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि इतनी लंबी अवधि में बहुत सारे बाज़ार के उतार चढ़ाव होंगे। जैसे कि आज ही की अगर मैं बात कर लूँ, हमने बाज़ार में ज़ोरदार गिरावट देखी और इसके लिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी से लेकर एशिया के बाज़ार, तमाम तरह के ट्रिगर्स थे जो हमने बाज़ार में आते हुए देखे हैं। यही लंबी अवधि के निवेशक जब इस तरह की गिरावट देखते हैं बाजार में तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। दिमाग में जब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो 22 साल 30 साल तक का नज़रिया पकड़ कर चलते हैं, लेकिन इस तरह के उतार चढ़ाव से वो डर जाते हैं। बताइए इसको कैसे टैकल करें सबसे पहले। जी कविता, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जैसा आपने कहा कि, और मुझे लगता है ये काफी अच्छा भी है कि एटलीस्ट जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, स्पेशली अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी लंबा टाइम हॉराइजन के लेके आ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कुछ साल पहले तक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि इन्वेस्टर जब आते थे बिना किसी टाइम हॉराइजन के आते थे, तो जब भी उनको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता था वो इमीडिएटली या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते थे या तो उससे बाहर निकल जाते थे या अपनी एसेट एलोकेशन निकाल देते थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्पेशली जब निवेशक जो है वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक टाइम हॉराइजन लेके आ रहे हैं और एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल से अलाइन कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है, हमने देखा है कि काफी बार मार्केट में उतार चढ़ाव आने के बावजूद हमारी जो SIP की इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं, इनफैक्ट हर मंथ वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, बट आपने बिल्कुल सही कहा, ये डर हमेशा निवेशक के मन में रहता है, तो इसीलिए सही शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सही शुरुआत करते हो उसका मतलब ये है कि कितना समय है, कितना मेरा गोल है, इस तरह की मेरी एसेट एलोकेशन हो, अगर आप जब वो ये लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 50% काम आपका वहीं पे हो जाता है। उसके आगे आपको क्या करना है, डिसिप्लिन बना के रखना है। आप उसको, आप जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी दिखे तो अगर अपना फोकस आप अपने गोल पे रखें, अपने टाइम हॉराइजन पे रखें, तो कहीं ना कहीं वो आपको मदद करता है कि आप वोलेटाइल मार्केट्स को ठीक से टैकल कर पाए। इस केस में अगर हम देखें तो जैसा उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है कि इनके पास 22 साल का समय है, एक क्लैरिटी है, तो अगर इनको कभी वॉलेटिलिटी का सामना भी करना पड़े तो इनको पता है कि मेरे पास इतना लंबा समय है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको लंबसम इन्वेस्टमेंट करनी है 30 लाख की। दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो आपका सही हो, इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है, बहुत ज्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड से आप दूर रहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि सेक्टर थीमेटिक फंड का रोल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन वो एक सर्टन स्टेज के बाद आता है, शुरुआत में मुझे लगता नहीं कि आपको वहां से शुरुआत करें। तो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज जैसे लार्ज एंड मिड कैप देखें, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, लॉन्ग रन में स्मॉल मिड कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि 6 लाख रुपए पर फंड में, 5 फंड में आप पैसा लगाइए, जिसमें फंड मैं आपको बता सकता हूँ जैसे कोटक मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में आप देख सकते हैं बंधन कोर, मिड कैप में आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप,
स्मॉल कैप में निपोन इंडिया स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप। अब सवाल ये होता है कि इसमें निवेश कैसे करें, समय तो बहुत लंबा है लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी शुरुआत ठीक ना हो, तो लमसम पैसा लगाना है, पूरा पैसा एक लेवल पे कमिट मत कराइए, एक कॉम्बिनेशन रखिए लमसम और एसटीपी का, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में भी, जहां पे 30-40% आप लमसम लगाइए और बाकी जो है हर महीने आप अगले 6 महीने तक आप लगाइए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वॉलिटिलिटी जो अभी है कुछ समय के बाद वो सेटल होगी तो आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर इस दौरान आपको कोई स्टीप फॉल मिलता है मार्केट में तो आप उस पैसे को स्विच भी कर सकते हैं। तो आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल सही रहेगा, अपने टाइम होराइजन पे फोकस रखिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, ये जो कमिटमेंट है आपकी वो इक्विटी से है, फंड की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखिए, जरूरत पड़े तो उसको बदलिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं, पूरा कारण जानने के बाद कि आपका फंड अगर अच्छा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ये कुछ बातें ध्यान में रखिए, मुझे लगता है सही पोटेंशियल इक्विटी का आपको इतने लंबे समय में देखने को मिलेगा। हेमंत सर, आपने इनको कहा है 6-6 लाख रुपए करके निवेश करना है, लेकिन वो भी क्या किश्तों में करने चाहिए? हमने 30 लाख को 6-6 लाख में डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन क्या 6 लाख एक साथ डाले जा सकते हैं कि उसको भी पार्ट्स में डाला जा सकता है और डालना चाहिए भी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन कीजिए आप लमसम और एसटीपी का, तो आप 30-40% पैसा जो अभी लगा रहे हैं और बाकी जो है अगले 6 महीने तक सिस्टमेटिकली आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर उस दौरान अगर आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट में थोड़ा स्टीप फॉल होता है, तो आप कुछ पैसा स्विच भी कर सकते हैं, आपको 6 महीने वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र गौतम का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। नमस्कार, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? यस सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बारा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैम। ओके, आज राजस्थान के बहुत दर्शक हमें अपना सवाल भेज रहे हैं। बहरहाल, 20 साल में 1.5 करोड़ जी 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं और आपने कुछ SIPs की शुरुआत भी कर रखी है पिछले 4 से 5 साल में, और 40% तक का रिटर्न भी आपको अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुबारकबाद। एक बार फंड्स पर डाल लेते हैं नज़र। आपके पास एक्सिस का स्मॉल कैप है, UTI मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इनोवेशन फंड है, क्वांट का ELSS है, फ्लेक्सी कैप है DSP का, एक और स्मॉल कैप है DSP का, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है। और अब ये बताइएगा सर, फिलहाल 1.5 करोड़ आपने जो पोर्टफोलियो का वैल्यू बताएंगे क्या है अभी? अभी मेरी पोर्टफोलियो की लगभग 4 लाख के आसपास चल रही है। 4 लाख के आसपास चल रही है, ठीक है। निवेश को बढ़ाने की क्षमता है आपकी? मैम इतना ही, और अपन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जितना भी है उसको और अपन इतना ही और कर लें, कर सकते हैं मतलब इस समय सर। और मेरी इच्छा ये थी कि हम लोग ये जो मैंने जो फंड ले रखे हैं, एक बार सर ये बता दें कि मैं और स्टार्ट करना या इनको छोड़कर कहीं और जगह स्विच भी किया जा सकता है बस। चलिए, इसी पर आपको सलाह देते हैं। अब थोड़ा सा निवेश आपको बढ़ाना होगा, और हेमंत जी, फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट क्या किया जा सकता है? अगर हम शुरुआत करते हैं इनके गोल से, इनको जैसा 8,000 की SIP है, इनका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ है, 4 साल से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल का समय शायद इनके पास और है, तो मैं अगर वो दोनों कंसिडर करूं तो मुझे लगता है करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस से बना पाएंगे। अगर 3,000 से अपनी SIP बढ़ाएं तो यानी 11,000 कर दें यहाँ से अगले 20 साल तक, तो अपना जो जो टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जैसा आपने पहले भी कहा, बहुत लंबा समय है इनके पास और क्योंकि ये पैसा सिस्टमेटिकली मार्केट में जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा जो फियर होता है हमारे दिमाग में वोलेटिलिटी का, उसको हम काफी एफिशिएंटली हम टैकल कर पाते हैं। अगर हम फंड्स की बात करें तो इनके पास एक ELSS फंड है, ऑब्वियसली अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं ELSS फंड में एज पर द रिक्वायरमेंट, तो क्वांट ELSS में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी 7,000 है, इनके पास एक ICICI डिस्कवरी फंड है, वो एक वैल्यू फंड है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी फंड है, बट मुझे लगता है क्योंकि इनके पास स्मॉल और मिड कैप फंड भी है तो उसको थोड़ा सा हमें रीबैलेंस करने की जरूरत है, तो डिस्कवरी की जगह में अगर एक प्योर लार्ज कैप ले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस पर आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें, ICICI का ही ब्लू चिप ले लीजिए आप, तो वहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए। एग्जिस्टिंग जो फंड्स है आपके पास, UTI मिड कैप, मुझे लगता है उससे बेहतर फंड्स है उस कैटेगरी में, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप देख सकते हैं, दो स्मॉल कैप फंड है शायद इनके पास, वो दोनों अगर आप कंबाइन करके निपॉन इंडिया स्मॉल में रखें
तो वो एक बेहतर होगा। तो एक स्मॉल कैप फंड में 2000, मिड कैप फंड में 2000, एक ESS में 1000 और 3000 एक लार्ज कैप में। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप डिफरेंट कैटेगरी के फंड ले लेते हो, फ्लेक्सी कैप या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप, दो सेगमेंट एक में कंबाइन होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम मिड और स्मॉल में ले रहे हैं सेपरेटली तो फिर आप लार्ज कैप आपको लेना होगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीबैलेंस कीजिए। अगर ये 3000 रुपये बढ़ाते हैं आगे जाके जब भी, तो एक लार्ज एंड मिड कैप में अपना एक फंड अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक सही मायने में जिस तरह का बैलेंस आपको चाहिए तीनों सेगमेंट का, वो आपको मिल जाएगा। चलिए शैलेंद्र जी, आपको कोई और सवाल पूछना है क्या हेमंत जी से? थैंक ऑल द बेस्ट। यू विकास केसरी मेरे साथ फोन लाइन पर है क्या? नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। ओके सर, SBI में खाता है आपका? जी 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 तब भी SBI का फोकस्ड फंड, स्मॉल कैप, हेल्थ केयर, लार्ज एंड मिड कैप, कंजम्पशन, इक्विटी, हाइब्रिड, सारे ही आपने SBI के फंड्स लेकर रखे हुए हैं। कभी लगा नहीं आपको कि दूसरे फंड हाउस को भी ट्राई करना चाहिए? या नहीं, एक्चुअली मैं खुद स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। ओके, बट फिर भी आप दूसरे फंड हाउसेस के फंड्स तो ले ही सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दिक्कत क्या होती है वो आपको बताएंगे। एक ही फंड हाउस से ये सारे फंड्स लेने का उसके पीछे दिक्कत क्या है और क्यों कहा जाता है कि अलग अलग AMCs को भी ट्राई करना चाहिए, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आप जो 30,000 रुपये की SIP कर रहे हैं ये आपको कब तक करनी होगी सर? ये मैं नेक्स्ट 18 to 20 years। 18 से 20 साल, चलिए बहुत अच्छा समय है। और कितना टारगेट होगा आपका इकट्ठा करने का राशि? I'm just planning for my children's higher education and retirement fund. So approximately how much amount? Two crores के corporates के लिए मैं। दोनों ही goals आपके 2 करोड़ में हो जाएंगे? 2 करोड़ ही पर्याप्त होगा दोनों के लिए? 2 करोड़ बेसिकली मैं हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे के लिए सोच रहा हूँ। रिटायरमेंट के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पेंशन मिलती रहेगी और आई विल गेट माय PF एंड ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, चलिए तो फिलहाल 2 CR का ही हम गोल लेकर चलते हैं। हेमंत जी बताइएगा, सारा निवेशक तो एक ही फंड हाउस में क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ जी, पहले उससे पहले हम इनका पहले टारगेट देख लेते हैं। जैसा उन्होंने कहा 15 साल का समय इनके पास, जो करंट SIP है अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो करीब 12% का रिटर्न मैं मान के चलता हूँ, तो 1,40,00,000 का कॉर्पस बनेगा। करीब 5,000 से इनको अपनी SIP बढ़ानी होगी अगर इनका टारगेट जो है वो 2 करोड़ का है। तो ये तो इनके टारगेट की बात हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने कहा, बिल्कुल सही, सारे के सारे फंड SBI में, आई कैन अंडरस्टैंड वो SBI में काम करते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड, क्योंकि इनके केस में जैसे वो वहां पे काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात हमारी इंडस्ट्री की क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, उनमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट फिलोसफीज हैं, और इतने अच्छे फंड मैनेजर्स हैं कि मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये ब्लेसिंग है कि हम जब अपना पोर्टफोलियो बनाए तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, हम इतने सारे फंड्स को देख सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फंड देखने की भी जरूरत नहीं आपको, लेकिन एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रॉडली चाहे आपके फंड किसी भी तरीके के हों, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो है फंड की वो अक्रॉस द फंड्स होती है, तो कभी कभी जब वो काम नहीं करती है तो हम देखते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जब हमारे पास ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम डिफरेंट फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करें तो हम क्यों ना करें। तो आई थिंक ये कारण है कि आपको पूरा पैसा एक फंड में नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो 12,000 रुपये इन्होंने SBI फोकस फंड में लगाया है। अच्छा फंड है, जैसा कि फोकस है तो कंसेंट्रेटेड बेट लेता है, मोर लाइक अ फ्लेक्सी कैप फंड। मुझे लगता है उस पैसे को आप SBI के 2 फंड में आप स्प्लिट कीजिए। आप 6,000 रखिए आप SBI फोकस में, 6,000 आप रखिए SBI कॉन्ट्रा में, तो 12,000 तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। बाकी जो 18,000 है उसमें आपको एक मल्टी कैप फंड चाहिए, उसमें आप मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप देख सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड हो जो आपके पास HSBC फ्लेक्सी कैप का फंड आप देख सकते हैं, और एक जो है एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी,
इन तीनों फंड में आप 6-6 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए तो क्या होगा, 3 या 4 डिफरेंट फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, उनके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में आपका होना चाहिए वो आपको मिलेगा। आपकी SBI में भी इन्वेस्टमेंट बनी रहेगी, 12,000 अगर आप देखें 30,000 में से तो करीब करीब 40% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है SBI में बनी रहेगी। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए और जब भी आपको लगे कि आप अपनी 5,000 रुपए से SIP बढ़ा सकते हो तो एग्जिस्टिंग फंड में ही आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेक्टर थीमेटिक फंड को अवॉइड करना है, आप SBI फोकस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी में भी रह सकते हैं। यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा में आपके निवेश को एलोकेट किया जा सकता है और बाकी बदलाव जो बताए गए हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये कुल मिला के आपका नया पोर्टफोलियो जहाँ पर आपको अपने निवेश को संशोधित करने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल लेंगे दिल्ली से, सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र नमस्कार, चलिए मेरे ख्याल से ये संपर्क इनके साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिल्ली से सवाल भेजा है इन्होंने, 5 साल में 20 लाख रुपए तक फंड बनाने के लिए कितना निवेश करना होगा, ये इनका सवाल है। हेमंत जी, कविता देखिए 5 साल का समय बहुत लंबा समय नहीं है, स्पेशली अगर मैं SIP की बात करूं तो एवरेज होल्डिंग पीरियड करीब 2.5 साल का है। तो ऑब्वियसली SIP की अच्छी बात यह है कि आपका टाइम होराइजन कोई भी हो, फंड हाउसेज आपके आपको काफी सारे ऑप्शन देते हैं कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल टाइम होराइजन के हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है तो मेरा ये मानना है कि कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए और इक्विटी में भी आई थिंक उनको फोकस रखना चाहिए लार्ज कैप के ऊपर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने का उतना टाइम होराइजन उनके पास है नहीं। तो जैसे प्रू ऐसे ऐसे इक्विटी एंड डेट जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसको ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि अपने इनको जो इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख तक पहुंचने के लिए करीब 25,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसमें से 9,000 रुपए आप प्रू ऐसे इक्विटी एंड डेट को आप एलोकेट कीजिए। एक प्योर लार्ज कैप फंड आप जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप देखें उसमें 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और तीसरा जो फंड है वो अगर एक और अगर हम इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी में देखें तो वो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड हो सकता है जहां पे आप 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो दो दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और एक लार्ज कैप फंड आई थिंक 5 साल के टाइम होराइजन के लिए एक सही पोर्टफोलियो रहेगा। चलिए तो यहाँ पर सुरेंद्र को जवाब में बताया जा रहा है कि कौन से फंड में उनको निवेश करना चाहिए, ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप और कोटक हाइब्रिड फंड, क्योंकि इनके पास 5 ही साल का समय है तो बहुत ज़्यादा जोखिम इनके पोर्टफोलियो में हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड और लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स को रेकमेंड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवालों के जवाब, और ब्रेक पर जाएं जाते जाते एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, अपने सवाल वहाँ भेज दीजिएगा। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब से दीपक का सवाल लेंगे और म्यूचुअल फंड के 10 फंड्स में 23,000 की ये SIP कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, रिटायरमेंट इनका लक्ष्य है, निवेश की अवधि 15 से 20 साल है और पोर्टफोलियो इनका और इनकी वाइफ का अलग अलग है। मुझे आपके पास पोर्टफोलियो की डिटेल्स होंगी, बताइएगा क्या बदलाव करने हैं और कैसे। आई थिंक सबसे पहले मैं कहूंगा कि दीपक के अगर आप पोर्टफोलियो देखें उनका और उनकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो, आई थिंक दोनों में जो कैटेगरी इन्होंने चुनी है वो काफी अच्छी है। जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप जो कैटेगरीज हैं वो इस तरीके से हो कि आपके जो तीनों मार्केट के जो सेगमेंट है लार्ज, मिड और स्मॉल, वहां पे आपको एक सही बैलेंस तरीके से आपको एक्सपोजर मिले। बट आई थिंक फंड में कुछ बदलाव की जरूरत है। पहले अगर मैं इनके वाइफ का पोर्टफोलियो लूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कैटेगरीज भी सही है और फंड्स भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ऐसे ऐसे लार्ज एंड मिड, कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप फंड है और SBI कॉन्ट्रा फंड, आई थिंक फंड सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इसमें मुझे लगता नहीं इनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दीपक जी का कुछ खुद का जो पोर्टफोलियो है मुझे लगता है कैटेगरीज वहाँ पे सही है, बट
थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में। जैसे अगर स्मॉल कैप में देखें तो मुझे लगता है कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन हो सकती है। फिर मेरे ऐसे जो लार्ज एंड मिड है उससे बेहतर या तो आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड देखिए या तो फिर आप बंधन कोर देखिए, तो वहां पे भी मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है इनके पास। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का, बट इनका जो टाइम होराइजन है वो काफी लंबा है, तो मुझे लगता नहीं कि वहां पे एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही चॉइस रहेगी। तो उसकी जगह में अगर आप एक लार्ज एंड मिड HDFC लार्ज एंड मिड रखें तो आई थिंक वो इनके टाइम होराइजन के हिसाब से ज्यादा सुटेबल है। और ब्लू चिप में SBI ब्लू चिप की जगह अगर आप ICICI ब्लू चिप जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया वो रखें तो सही है। तो इनके दीपक के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इनकी जो वाइफ का जो पोर्टफोलियो है उसमें कैटेगरीज और फंड बिल्कुल सही है, वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस समय पे कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। ऑलराइट, सचिन शर्मा का सवाल लेते हैं, फोन लाइन पर भी हमारे साथ हैं। सचिन नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। ऑलराइट, पूछिए सर। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने 2009 में ये केंद्रीय कर्मचारी उसमें ज्वाइन किया था और तब से लेके अब तक हमने अपने जो NPS अकाउंट है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, न कोई भी चर्चा नहीं की है। तो उसमें तो ग्रोथ हो रही, जैसा कि लोगों से पता लग रहा कि बहुत कम स्लो स्लो हो रही है। अब चूंकि एज भी हमारी इसमें 50 साल के आसपास हो चुकी है, तो 10 साल लगभग बचा है हमारे पास सर्विस का, तो क्या हमें उसमें कुछ चेंज करना चाहिए या फिर अब ऐसा ही रहने दें? ठीक है, बताते हैं। हेमंत जी, ये केंद्र कर्मचारी है, ऐसे में मेरे ख्याल से इनका जो इक्विटी कंपोनेंट है वो काफ़ी हद तक कैप्ड होगा। बताइएगा कैसे, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? यस कविता, आई थिंक अगर ये डिफॉल्ट ऑप्शन में है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है पहले, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इक्विटी जो है कैप था। उसमें यूजली क्या होता है, 85% आई थिंक डेट पे रहता है, 15% मैक्सिमम इक्विटी में रहता है। अगर इनको बदलाव करना तो इनके पास बेसिकली एक ही ऑप्शन है कि वो जो लाइफ साइकिल ऑप्शन है 25 या 50 उनमें से वो देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो 50 देखें तो इनकी एज के हिसाब से कि वहां पे भी 35 की एज के बाद 2% से इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहता है, तो करीब करीब मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से एलोकेशन इनको मिल सकता है वो 20% मिल सकता है इक्विटी में। वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसका ऑब्वियसली इसके साथ में एक और चीज देखने की जरूरत है कि इनके पास इसके अलावा और क्या इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लीजिए उन्होंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो शायद उसको बदलाव करने की भी जरूरत ना हो अभी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि वो अगर लाइफ साइकिल 50 में जाते हैं तो इस समय पे करीब 20% एक्सपोजर जो है उनका इक्विटी में होगा, तो कुछ डेफिनेटली एक्सपोजर इक्विटी में बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली क्योंकि अभी भी समय है इनके पास रिटायरमेंट से पहले, तो 10% आने तक डेफिनेटली उनके उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न जो है थोड़े बेहतर हो सकते हैं। सचिन जी, ये है आपके लिए सलाह, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो। इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में सवाल जवाब का ये सिलसिला आज हम यही समाप्त करते हैं। मंजी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और सभी सवालों के जवाब दिए दर्शकों के। और हम भी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पर NPS से जुड़ी बातें और ख़ासतौर से NPS का पूरा 20 साल का सफ़र, कल आज और कल को लेकर क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं, NPS की जब शुरुआत हुई से लेकर अब तक का स्वरूप और आने वाले स्वरूप में क्या क्या बेहतरी की ज़रूरत है, विस्तार से पूरी चर्चा इस ब्रेक के बाद।